हमने क्या क्या देखा, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, वो नहीं देखा, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, दैट वॉज ऑल दैट वी डिड एज ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दैट वॉज वॉट वी डिड वॉज ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक क्या क्या हुआ एक्सपेरिमेंट, बट बेचारा मिलिकन एक्सपेरिमेंट किया और उसको समझ नहीं पाया कि वाई ऐसा क्यों हुआ. तो आइंस्टाइन आया पिक्चर में, आइंस्टाइन ने ऐसे एनालाइज किया, ओके, देन उसने कंक्लूजन बनाया. और जो भी अब तक पढ़ा था ऑब्जर्वेशन में, उसका ऐसा कंक्लूजन निकाला कि आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज दे के सम्मानित किया गया. ही वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सी मतलब क्या लेवल में, मतलब कितना कि नोबेल प्राइज मिला वो साल में. तो वही हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ भी तो एग्जैक्टली हुआ क्या और ये कैसे एक्सप्लेन किया. तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट जो आता है उसके पास एनर्जी रहता है इज इक्वल टू एच न्यू. बहुत सही है, ओके सर. सर और ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये हमने सब पढ़ा है. और ये जो एच है ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, ये जो एच है वो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है. लिखना कुछ भी मत, सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट जो आता है उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, उस लाइट का जो एनर्जी है, एनर्जी को दिया गया इज इक्वल टू एच न्यू से. ओके ठीक है, इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में लाइट का एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. पॉइंट नंबर वन टू बी अंडरस्टूड लाइट का जो एनर्जी है वो कौन डिसाइड करता है, लाइट का एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है. ओके सर इधर तक तो क्लियर है. इसका मतलब क्या, हमने बचपन में पढ़ा था वेलोसिटी सी इज गिवन बाय न्यू लैम्डा. ये नाइन्थ स्टैंडर्ड का है, नाइन्थ स्टैंडर्ड चैप्टर साउंड में पढ़ा था. वी नो दैट सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू लैम्डा. सो सी को लिखूंगा, सी को सी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. सो वी अपॉन लैम्डा इज न्यू, कुछ नहीं लैम्डा नीचे गया, तो वी अपॉन लैम्डा इज न्यू. तो इसे क्या समझना है, ई इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू इधर है, न्यू कैन बी रिटन एज वी बाय लैम्डा या सी बाय लैम्डा भी चलेगा. सी लिखने पर भी कोई गलती नहीं है, सी लिखा तो भी करेक्ट है, वी लिखा तो भी करेक्ट है. ओके नॉर्मली लाइट की बात करेंगे तो हम सी लिखेंगे. ओके सो हमको दो चीज समझ में आई, ये दूसरी चीज व्हाट इज द कंक्लूजन, समझ में क्या आया सर, वी कम टू नो दैट एज फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज एनर्जी ऑल्सो विल इंक्रीज. एक बात कंफर्म है, एज फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज एनर्जी ऑल्सो विल इंक्रीज. सेकेंड पॉइंट नंबर टू, एनर्जी विल डिक्रीज. ओके सो हमको एक बात तो कंफर्म है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें कोई हमारे मन में कंफ्यूजन नहीं चाहिए. एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है. जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा लाइट. एक बड़ा रॉन्ग लोगों के दिमाग के अंदर है, ज्यादा उजाला यानी ज्यादा एनर्जी, ये रॉन्ग है. आई रिपीट बच्चा, ज्यादा उजाला यानी ज्यादा एनर्जी ये रॉन्ग है, ये सच नहीं है. ओके बच्चा ये सच नहीं है, ज्यादा उजाला यानी ज्यादा एनर्जी ये सच नहीं है. ठीक है सो व्हाट इज सच, ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज्यादा एनर्जी. ठीक है ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज्यादा एनर्जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं क्या बोला, हाँ या ना तो बोल. ओके करेक्ट, हाँ. सो ये दो पॉइंट हम याद रखेंगे, ये किसी भी हालत में इस पॉइंट को हम नहीं भूलेंगे. एट एनी कॉस्ट वी विल नॉट फॉरगेट नाउ दैट एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन उजाला. बच्चा क्या समझता था मालूम है, सर उजाला बहुत ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, ये मर्डर ऑफ फिजिक्स है. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ऐसा नहीं है, जितना ज्यादा उजाला बोल तो ज्यादा एनर्जी नहीं,
ना। तो एक फर्स्ट पॉइंट हमको क्या याद रखना है, एनर ये लॉ नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूं एज पर नोट्स, ये जस्ट एक पॉइंट लिख रहा हूं समझाने के लिए, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। ओके, जस्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज्यादा एनर्जी, एंड कॉमा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बड़ा वेवलेंथ बोल तो छोटा एनर्जी। हाँ, एंड और एक पॉइंट, एनर्जी नेवर डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस, एनर्जी नेवर डिपेंड्स ऑन उजाला, बोले तो उजाला बोले तो ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बोले तो एनर्जी नेवर डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस बोले तो बोल, कम ऑन चैट बॉक्स में डाल, एनर्जी नेवर डिपेंड ऑन ब्राइटनेस बोले तो क्या बोला है, फिजिक्स में क्या बोलते हैं उजाले को, एनर्जी नेवर डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, बहुत बहुत अच्छे, एनर्जी नेवर डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ओके, सो ये बात तो कंफर्म है कि एनर्जी कभी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन था। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आइंस्टाइन बोला, फर्स्ट लॉ पढ़ा था हमने, फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस बोलो फट 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 होता है, परदिशी होता है, बोले तो क्या एग्जैक्टली हुआ क्या, सी इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है मींस व्हाट, मींस व्हाट, मींस मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी ज्यादा है तो मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, बोले तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ओके, लाइट इज पार्टिकल इन नेचर। ओके, अब थोड़ा सा डिस्कशन अलग जा रहा है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट इज पार्टिकल इन नेचर नॉट वेव इन नेचर। ओके, बेसिकली क्या था, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, अनंत बहुत अनंत साल तक, बोल तो सिंस सेंचुरी सेंचुरीज ये बिलीव था कि लाइट टू कौन है, लाइट टू एक रे है, जैसा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे गया वी रियलाइज दैट लाइट टू रे नहीं है, लाइट टू वेव है। जैसे और 19th सेंचुरी आया, लोगों ने बोला लाइट टू वेव नहीं है, लाइट टू छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स है, लाइट टू कौन है तो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स है, और इस छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को बोला गया फोटॉन, फोटॉन का दूसरा नाम है क्वांटा, इसी के ऊपर आज का दुनिया इतना चलता है, क्वांटम फिजिक्स, पता नहीं तुमने सुना होगा कि नहीं, क्वांटम फिजिक्स। ओके, अलग ही दुनिया है फिजिक्स की, जिसमें इतनी वास्ट है कि आदमी एक एक उसका डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर, पीएचडी, जिंदगी उसके ऊपर डालता है क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। ओके, समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तू समझा मैं क्या बोलेगा, अभी के लिए आइंस्टाइन के हिसाब से क्या है, अभी अकॉर्डिंग टू नाउ आइंस्टाइन के हिसाब से ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, रिपीट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये एनर्जी को हम स्मॉल पैकेट्स मानते हैं, एनर्जी को स्मॉल पैकेट्स मानते हैं, और इस छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को बोला गया फोटॉन और क्वांटा। तो लाइट को छोटे छोटे टुकड़े मानते हैं, इसीलिए लाइट को बोला गया, लाइट तो कौन है, लाइट तो पार्टिकल नेचर है। ओके, लाइट तो कौन है, लाइट तो पार्टिकल नेचर है। अच्छा सर, पार्टिकल नेचर मतलब टुकड़े 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 टुकड़े। ओके, वेव नेचर मतलब ऐसा कंटिन्यू जू ऐसा ऐसा ट्रैवल करता है। ओके, बट सबसे पहले क्या बिलीव किया गया था, सबसे पहले ये बिलीव किया गया था लाइट टू कौन है, लाइट टू स्ट्रीट लाइन में ट्रैवल करता है, जब टेक्नोलॉजी आगे गया, साइंस आगे गया, तो लाइट टू वेव जैसे ट्रैवल करता है, तब और आगे गया तो बोले कि लाइट टू वेव जैसे नहीं, लाइट टू पार्टिकल जैसे ट्रैवल करता है, फिर फाइनली अब क्या एक्सेप्टेड है, वो हम भांडा बाद में फोड़ेंगे, अब वो भांडा नहीं फोड़ेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए क्या समझना है, अभी के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइट टू कौन है, इस एक्सपेरिमेंट में वी हैव कंसीडर्ड लाइट टू बी स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड एज फोटॉन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट क्या है, लाइट छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट है जो दिखते भी नहीं है, उस एनर्जी के पैकेट को बोला गया फोटॉन। बोलो,
अब फोटॉन बोल दो क्या? सर क्लियर है सर, एक लाइट आ रहा है मतलब उजाला आ रहा है। अब उस लाइट के पास बहुत सारे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स है, उस छोटे छोटे पैकेट्स को बोला गया हमने फोटॉन, वो है फोटॉन। तो इधर तक क्लियर है क्या? बोलो लाइट टू कौन है? लाइट यू आर अ स्मॉल एनर्जी पैकेट, उसका नाम क्या? फोटॉन। ओके इधर तक क्लियर है मैं क्या बोला? हाँ या ना तो बोल। हाँ ओके ओके फाइन। अभी आगे जाते हैं। तो हमने बोला उजाला ज्यादा आ रहा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बोले तो क्या ज्यादा है? इंटेंसिटी ज्यादा है बोले तो फोटॉन ज्यादा है। ओहो हो बोले तो उजाला बढ़ाना यानी एनर्जी बढ़ाना नहीं, रिपीट, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी नहीं, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी बोले तो मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओहो हो बोले तो 10 वाट वाला बल्ब, 20 वाट वाला बल्ब, 1000 वाट वाला बल्ब, कौन ज्यादा उजाला देगा? 1000 वाट वाला। तो कौन ज्यादा फोटॉन्स देगा? 1000 वाट वाला बल्ब ज्यादा फोटॉन देगा। समझाने के लिए ना, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वी स्पीक लाइक दिस। ओहो हो सर बोले तो सर इट मींस दैट द ग्रेटर इज द उजाला इंटेंसिटी द मोर इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके सर ये गया सर, मतलब सर दो दुनिया हो गया, देर आर टोटली टू वर्ल्ड, एक एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी की दुनिया, वो अलग, एनर्जी फ्रीक्वेंसी की दुनिया अलग, ये उजाला ब्राइटनेस नंबर ऑफ फोटॉन्स की दुनिया अलग, इसको मिक्स नहीं करने का। ओके सर तो मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करेगा? अगर ज्यादा फोटॉन आएंगे देन इट विल हिट द मेटल सर्फेस, हाँ इट विल हिट द मेटल सर्फेस। सो बाहर कौन आएंगे ज्यादा? अगर ज्यादा फोटॉन आएंगे हिट करेंगे मेटल सर्फेस के ऊपर, बहुत सारे फोटॉन हिट करेंगे मेटल सर्फेस के ऊपर, तो बाहर ज्यादा कौन आएंगे? बाहर ज्यादा कौन आएंगे सर? बाहर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सर, बाहर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओ ये बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर ज्यादा आएंगे तो ज्यादा क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर आएंगे तो क्या होगा? बोल तू बोल, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा? सर करंट ज्यादा होगा। सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। हाँ ये तो ऑब्जर्वेशन में था, बरोबर सर बरोबर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन में देखा था, वी हैड ऑब्जर्व्ड एट द बिगनिंग दैट जितना ज्यादा उजाला उतना ज्यादा करंट, एक्सप्लेनेशन बराबर दिया सर, बरोबर है एक्सप्लेनेशन। वो टाइम में हमने ग्राफ में देखा था सर, ऐसा ग्राफ था, ये इधर करंट था, हियर यू हैड करंट, हियर यू हैड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एंड यू हैड डन दिस वे सर, जितना ज्यादा उजाला उतना ज्यादा करंट। क्यों? आज मालूम पड़ा आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन, ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटॉन, ज्यादा फोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादा फोटॉन हिट करेंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, मोर इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रिक करंट। क्या ये एक्सप्लेनेशन ठीक था? क्या ये एक्सप्लेनेशन ठीक था? ओहो तो ये तो कॉन्सेप्ट गया सर, फर्स्ट पॉइंट हमारा एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन का एकदम परफेक्ट था। हाँ सर ओके, अभी सर आगे लेके जाओ गाड़ी को। ओके गाड़ी को हम आगे लेके जाते हैं। तो टिल नाउ व्हाट वी अंडरस्टूड दैट इंटेंसिटी ज्यादा, वी अंडरस्टूड दैट अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बोले तो एनर्जी पैकेट्स, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आएगा। सर ये मस्त एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना सर, अब तो इधर तक तो क्लियर है, ठीक है इसके इधर तक किसी को मन में कोई डाउट है समझने के लिए? नो सर ओके ओके
ठीक है इधर तक तो। अब डिस्कशन आगे लेके जाते हैं, अब डिस्कशन आगे, आइंस्टाइन क्या बोला? तो आइंस्टाइन बोला करके एनर्जी आ रहा है, हमने बोला था वर्क फंक्शन, हमने कहा था वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का सिंबल मैंने बोला था फाइव, फाइव नॉट, वर्क फंक्शन का सिंबल मैंने बोला था फाइव नॉट। अब देख वर्क फंक्शन का सिंबल फाइव नॉट है, आइंस्टाइन क्या बोला? आइंस्टाइन बोला एनर्जी आ रहा है, ये मेटल का टुकड़ा, ये मेटल के टुकड़े के ऊपर लेटर से एनर्जी 10 जूल्स का आ रहा है, तो यहां से ये फोटोन आया, एनर्जी आया यानी नाउ यू नो ऑल दिस, एनर्जी आया यानी फोटोन आया, इस फोटोन का जो एनर्जी है वो 10 जूल है। नाउ जस्ट सी, ये फोटोन का एनर्जी 10 जूल है, इसको बाहर निकालना है किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो यू डिड सम खर्चा, व्हाट वाज दैट खर्चा डन? दैट खर्चा डन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, फाइंड आउट। यही हमने पढ़ा था, व्हाट इज वर्क फंक्शन? एनर्जी मिनिमम वाला रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड। लेट अस से वर्क फंक्शन 4 जूल का था, तो आउटसाइड जो आया वो काइनेटिक एनर्जी आया, ओके काइनेटिक एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बोलेंगे, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी आया। सर बोले तो वेरी सिंपल, अ फोटोन इज कमिंग विद द एनर्जी ऑफ 10 जूल, ओके सर, अ फोटोन इज कमिंग विद एनर्जी ऑफ 10 जूल, क्लियर सर, एंड देन द वर्क फंक्शन इज 4 जूल, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी व्हाट यू गेट इज 6 जूल, राइट? मतलब इलेक्ट्रॉन 6 जूल से भागेगा, इलेक्ट्रॉन 6 जूल से भागेगा। तो इसे क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया, हमको एक आइंस्टाइन का इक्वेशन मिला, क्या इक्वेशन मिला? एनर्जी ई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, करेक्ट है? कैसे सर? एनर्जी 10 जूल है, वर्क फंक्शन 4 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी 6 जूल है, तो वी गॉट एन इक्वेशन, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। डू यू एग्री टू हियर? ये था अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मतलब एनर्जी इज गिवन बाय वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये हमारा एक नया इक्वेशन आया, करेक्ट? करेक्ट, ओके सर। डिस्कशन को अब आगे लेके जाते हैं, डिस्कशन को अब आगे लेके जाते हैं, देख कितना मजा आएगा। सी नाउ वी विल डील विद मैक्स, नाउ वी विल डील विद मैक्स मोड, जस्ट सी नाउ, लेट मी रब दी बोर्ड, लेट मी रब दी बोर्ड, ओके। सो हमारे को इक्वेशन मिला और उसी इक्वेशन के ऊपर अब डिस्कशन करना है डिटेल में, ओके उसी इक्वेशन के ऊपर वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल। क्या मालूम पड़ा? व्हाट डिड वी कम टू नो? वी केम टू नो दैट एनर्जी इज गिवन बाय वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओहो हो हो, एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट। व्हाट इज न्यू नॉट? हमने ये सब देखा था, न्यू नॉट को मैंने बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर बोले तो, लेट मी एक्सप्लेन, बोले तो जस्ट हियर, यहां पे एक लाइट है आ रहा है, ओके फोटोन आ रहा है, फोटोन आ रहा है, एक फोटोन आ रहा है। अब वर्क फंक्शन ही ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालने के लिए यू नीड वर्क फंक्शन 6 जूल्स, बट एनर्जी आ रहा है 4 जूल से, तो क्या बाहर निकलेगा वर्क फंक्शन से? वर्क फंक्शन से कम है, वी नीड 6 जूल्स टू रिमूव दिस आउट, बट एनर्जी कमिंग इज 4 जूल, तो क्या आएगा लाइट इलेक्ट्रॉन बाहर? सर कैसे आएगा? इसका मतलब तो कितना भी उजाला बढ़ा, यही तो था ना इंटेंसिटी, तो कितना भी बढ़ा बट तेरे को इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। मतलब क्या? तू 10 वाट ले, तू 20 वाट ले, तू 1000 वाट ले, तो कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा, तो कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा, यहां का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। क्यों? यही तो आइंस्टाइन बोला, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एनर्जी देखना इधर, एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर,
एनर्जी कभी उजाले के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओहो हो, इसीलिए वो कंक्लूजन वैसा था क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, उजाला कितना भी बड़ा हो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है। व्हाई? बिकॉज उजाला नेवर डिपेंड्स ऑन एनर्जी। उजाला मींस इंटेंसिटी अलग है एंड एनर्जी अलग है, देयर इज नो रिलेशनशिप। तो फिर सर उजाला बड़ा है तो बड़ा क्या, तेरे मन में नेक्स्ट डाउट आएगा। सर अगर उजाला और एनर्जी का संबंध नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड उजाला, देन द क्वेश्चन इज, देन उजाला बढ़ाया, इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी देन व्हाट विल इंक्रीज? कम ऑन टेल मी, इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी व्हाट विल इंक्रीज? इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी व्हाट विल इंक्रीज? सर इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज। सर इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज, करंट विल इंक्रीज। मतलब एनर्जी का रिलेशनशिप उजाले के साथ नहीं है, एनर्जी का रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक करंट के साथ है। एनर्जी का रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक करंट के साथ है, इसका संबंध एनर्जी से है ही नहीं। एनर्जी की दुनिया अलग है, उजाले की दुनिया अलग है। ओहो, तो इससे कंक्लूजन क्या है? सर ये तो सब समझ गया। मतलब सर मतलब क्या? मतलब इफ वी वॉन्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफ वी वॉन्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनर्जी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन डैश, फिल इन द ब्लैंक। एनर्जी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन डैश, फिल इन द ब्लैंक। कम ऑन, लेट अस सी हु अंडरस्टैंड्स। हाँ, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन डैश, इफ वी वॉन्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कमिंग एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वॉट? इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट यू विल टेल। सर एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ओके, करेक्ट करेक्ट। मतलब तेरा एनर्जी जो आ रहा है अगर वो वर्क फंक्शन से कम है तो उजाला तो आएगा ही नहीं। हाउ इट इज पॉसिबल? इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं, सॉरी उजाला, इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही नहीं। क्यों? मिनिमम एनर्जी है ही नहीं तेरे पास। तू आ रहा है 4 जूल से, बट निकालने के लिए चाहिए 6 जूल, तो कैसे करेगा? सो योर एनर्जी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन, देन ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। योर एनर्जी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन, देन ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। ओके, अब ये क्लियर हो गया। मतलब कितना भी उजाला बढ़ाओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उजाले इंटेंसिटी के ऊपर कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता ही नहीं है। एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इट मींस योर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब तेरा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है और तू आ रहा है 500 हर्ट्ज से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 600 है, तू आ रहा है 500 से, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? तू आ रहा है 500 से और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 600 चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि तेरा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर और इक्वल टू वर्क फंक्शन चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू चाहिए। ओहो, सर अगर मैं 700 से आऊंगा तो गारंटी होगा, गारंटी होगा, क्योंकि तेरा फ्रीक्वेंसी ज्यादा यानी तेरा एनर्जी ज्यादा। ओके, तो पक्का होगा फोटो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। सर क्या? जितना ज्यादा एनर्जी, वर्क फंक्शन तो सेम है, वर्क फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, डू नॉट फॉरगेट। ओके, वर्क फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, वर्क फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, प्लस काइनेटिक एनर्जी को डाला 1/2 mv². ओके, अब बोल ये तो कॉन्स्टेंट है हमेशा, ये तो हमेशा कॉन्स्टेंट है
फॉर मटीरियल, फॉर अ गिवन मटीरियल, फॉर अ गिवन मटीरियल वर्क फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो इससे क्या समझ में आया, जितना ज्यादा एनर्जी, तू बोल, तू भी बोल, वर्क फंक्शन तो कॉन्स्टेंट है, तो जितना ज्यादा एनर्जी मतलब उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट है? और किसका काइनेटिक एनर्जी? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आएंगे। अब ज्यादा एनर्जी यानी क्या, जितना ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट, ये एनर्जी इंसिडेंट वाला, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आएंगे, जो बाहर आएंगे, जो बाहर आएंगे, आएंगे वॉट एवर, जो बाहर आएगा, ओके, जो बाहर आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, क्यों? जोर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जोर मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो रुकाने के लिए टू मेक द इलेक्ट्रॉन हॉल्ट आई हैव टू अप्लाई मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ सर, ऑब्जर्वेशन में भी वही था, जितना ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा यानी एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, बरोबर सर? ऑब्जर्वेशन में भी ऐसा ही मिला था। ओहो हो, मतलब एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जितना ज्यादा एनर्जी जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन तो कॉन्स्टेंट है। अगर एक एग्जाम्पल कॉपर लिया तो कॉपर का एक वर्क फंक्शन फिक्स है, सिल्वर लिया तो सिल्वर का वर्क फंक्शन फिक्स है, तो ये तो कॉन्स्टेंट है। अगर ये कॉन्स्टेंट है, ओके, तो अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा, एनर्जी बढ़ा, एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएंगे वो बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। इसीलिए तो ग्राफ देख मस्त, तेरे को फील देता है, देख, इसीलिए तो ग्राफ देख। हाँ, अगर ऐसा एक ग्राफ था, ऐसा 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 ऐसा, ओके, मैंने बोला था ये फ्रीक्वेंसी 3, ये फ्रीक्वेंसी 2, ये फ्रीक्वेंसी 1, और हर एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग था, VS1, VS2, VS3, हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। देख ग्राफ में क्या ऑब्जर्व हुआ था, अलग फ्रीक्वेंसी अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल, यस, फ्रीक्वेंसी ज्यादा यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, यही तो ऑब्जर्वेशन था। देख आइंस्टाइन ने कैसे कैसे क्या क्या सोचा, ऑब्जर्वेशन में मिला था, ऑब्जर्वेशन में एक ग्राफ हमने जो किया था, ऑब्जर्वेशन में ऐसा ही मिला था हमको, ऐसा ही मिला था, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3, और हमने बोला था ν3, ν2, ν1। देख अलग फ्रीक्वेंसी अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल, यस, अलग फ्रीक्वेंसी अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये साइड नेगेटिव साइड, फील आया नहीं आया? हाँ, फील आया नहीं आया? बोल, एकदम अच्छा वाला फील आया नहीं आया? मतलब कैसा गजब का फीलिंग हमारा आइंस्टाइन साहब ने दिया ना, मतलब कैसे सोचता है, क्या क्या सोचता है, किस लेवल पे सोचा था आइंस्टाइन ने, और इक्वेशन बनाया, और इसी यही इक्वेशन सब एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यही इक्वेशन सब एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यही इक्वेशन सब एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बोल इधर तक सब गया? बोल इधर तक सब गया? मैक्सिमम चीज को तो एक्सप्लेन कर दिया वो, ओके, हम इक्वेशन को और अच्छे के तरीके से लिखेंगे, ओके, हम समझे अभी हमारा क्या क्या हुआ, देख कंक्लूजन बनाएंगे, कंक्लूजन बनाएंगे, और फिर डिटेल में और थोड़ा डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे, ओके, मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। अब तक हमको क्या समझ में आया, ओके, उजाला ज्यादा यानी फोटोन ज्यादा, फोटोन ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा यानी करंट ज्यादा, ओके सर, ये दुनिया हो गया। नेक्स्ट दुनिया सर, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, ये दुनिया हो गया। थर्ड, उजाले का संबंध, इंटेंसिटी का रिलेशनशिप, हाँ, वर्क फंक्शंस
या काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ नहीं है, इसको इसके साथ संबंध नहीं है एंड इसको इसके साथ संबंध नहीं है, ये दुनिया अलग है वो दुनिया अलग है। मतलब सर अगर थ्रेशोल्ड से फ्रीक्वेंसी कम है, इधर थर्ड पॉइंट जो याद रखना है, इफ योर एनर्जी इज लेस देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से तेरा एनर्जी कम है तो तू उजाला कितना भी बढ़ा, तू उजाला 1000 वैट कर, ब्राइटनेस कितना भी बढ़ा, तेरे को इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, व्हेन योर एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, और एल्स व्हेन योर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब तेरा जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या तेरा जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये था इस 3 पॉइंट में कंक्लूजन। बोल इधर तक गया, ऑल ओके नाउ?